ओए 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 अशोक, ये देखा अशोक भाई, निकल आओ, लगाओ आग, आग लगा के भाग जाना है सिर्फ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम रास की बात के साथ जाम शौकत आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, सलामत रखे, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जिस तरह से आप खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं और उसका फीडबैक देते हैं तो हमारी हौसला अफज़ाई होती है, और ख़ास तौर पे जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो उससे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आशिक भाई आज भी मेरे साथ हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मसरूफियत होती है, ज़ाहिर बात है होटल भी चलाते हैं और फिर आप टाइम निकालते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक ऐसी लोकेशन पर हम मौजूद हैं, कुछ अरसा पहले मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, मैं अकेला आया था, और एक बस्ती है जो कि बताया यही जाता है कि बहुत अरसा से वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पे जिन्नात के जो हैं वो हमले हुए, जो लोग यहाँ पे रहते थे कुछ ज़ख्मी हो गए, कुछ शायद कुछ की मौत भी हुई है, और कुछ जो है यहाँ से भागने में कामयाब हो गए, और फिर कई सालों से ये जो बस्ती है वो वीरान पड़ी हुई है। और अब जो ज़मीन जिन लोगों ने ये ख़रीदी है तो उनकी यही कोशिश है कि किसी तरह ये जो जिन्नात हैं यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ से निकल जाएं, चले जाएं, ताकि हम इस बस्ती को आबाद करें या इसको ख़त्म करके इसकी यहाँ पे कोई काश्तकारी कर सकें। तो आशिक भाई को मैंने वीडियो दिखाई, वो अगर आपने भी वो वीडियो नहीं देखी, उसका थंबनेल सामने स्क्रीन पे आ रहा है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख दिया गया है। जब मैं उस वक्त आया था तो मुझे बहुत सारे साइंस मिले थे, दीवारें टूट के गिरी हमारे ऊपर, उसके अलावा एक ऐसी वाइट सी उसमें कपड़ों में कोई चीज़ हमारे सामने आई साइडों पे, बार बार काफ़ी क्लियर साइन जो है ना हमें यहाँ पे इस लोकेशन पे मिले थे, जो कि हम वीडियो के कुछ क्लिप्स जो हैं आपको साथ में विंडो में दिखा रहे हैं। तो ये उस वक्त का प्रोग्राम है जब मैं इस बस्ती में पहली दफ़ा आया था। तो अब यहाँ के जो रिहायशी हैं जिन्होंने ये परचेज़ किया, तो वो ये कहते हैं कि इस जगह को क्लियर करें और इसको खाली करें ताकि हम इसकी काश्तकारी कर सकें। तो आज आशिक भाई को यहाँ पे ले आए हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये थोड़ा सा विज़िट करेंगे और उसके बाद आज एक नया तरीका लोगों की भलाई के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे यहाँ से जिन्नात ये बस्ती को फारिग कर दें और ये जगह क्लियर हो जाए। तो आशिक भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ, ठीक हो? जी अल्लाह पाक का करम है। कैसा लग रहा है? मैंने आपको वीडियो दिखाई इससे पहले, हाँ। दीवारें गिर रही थी और मैंने बताया कि यहाँ पे जो है ना बहुत मखलूकात है जो कि इस ज़मीन पे काबिज़ हो चुकी है और अब वो उनको काश्तकारी नहीं करने देती। ये देखते हैं जी इनका क्या मसला है, थोड़ा विज़िट करते हैं। अच्छा। विज़िट के बाद फिर लोकेशन देखेंगे भी क्या क्या तरीके कार करना है हमने। अच्छा, कैसे निकालने? हाँ, जो आपने वीडियो देखी कुछ आप रस्सा वगैरह कुछ दूसरी चीज़ें आप लेके आए या सामान? हाँ, कि हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत पड़े और इसके ज़रिए हम निकालें। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, पड़ेगी यहाँ पर लग रहा है? हाँ, ऐसे ऐसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों हो सकता है दीवारों के अंदर हो। सही है। हाँ, बाहर हों, फिर देख के ना कड़ा लगाना पड़ेगा और देख के बताएँगे भी क्या सूरत हाल है। ठीक है जी, देख के बताते हैं। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, हम जहाँ भी जाते हैं, ज़ाहिर बात है ख़तरनाक जगह होती है, ख़तरा होता है, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो जिन्नात होते हैं तो उनसे मुकाबला करना, उनके साथ बात करना, ये खासा मुश्किल काम है। तो आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, तो विज़िट जो है वो स्टार्ट करते हैं। आशिक भाई आपकी इजाज़त से ये मैं ऑन कर लेता हूँ जी। यहाँ से जी आगाज़ होता है इस बस्ती का। सबसे पहले ये दरख्त है, ये आप देख रहे हैं, ये भी बहुत हॉन्टेड है। इसकी लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये है बस्ती की तरफ जो है हम चलना शुरू करते हैं। यहाँ के इलाका मकीन जो है खुश होते हैं, कहते हैं कि अगर आप यहाँ से इस जगह को क्लियर करते हैं आशिक भाई जी, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी।
ये आशिक भाई, मैंने जैसा कि आपको दिखाया था, ये जैसे घर है जी, इस घर में भी फैमिली रहती थी और उस पर हमला हुआ, चार पहिया उल्टा देते थे और पता नहीं क्या वजह है, वो कहते हैं कि इस बस्ती से लोग फिर भागे अपने आप को बचा के। ठीक। और उस दिन के बाद ये खासी कीमती ज़मीन है, रोड के साथ है और ये इसी तरह वीरान पड़ी हुई है। उस दिन में ये सर, उस दिन हम जब आए जी तो हमें बहुत सारे साइन मिले थे, ये अच्छे खासे घर हैं, मतलब कम से कम कोई 8 से 10 घर हैं। अच्छा। ये सूरत हाल है, एक पोर्शन घरों का इस तरफ है और दूसरी तरफ भी है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारा विज़िट करवा देता हूँ, उसके बाद आप इसका कोई पक्का हल सोचें कि इसको अब क्लियर कैसे करना है। कुछ भी हो जाए, आज मैं आपको इजाज़त दूंगा, आप कुछ भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों की कीमती जगह है और आप लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर। बस विज़िट करके ना फिर आपने मुझे ना मेरा साथ देना है। अच्छा, कोई आज ऐसा काम करेंगे, अल्लाह करेगा ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा काम तो आशिक भाई करेंगे, लास्ट टाइम भी हमने किया, तो ऐसा काम करें जिसमें हमारी ज़िंदगी के लिए मसला ना हो इंशाल्लाह। मतलब जैसे उस दिन आपको परेशानी हो गई, मुझे हो गई, तो आप सूरत हाल तो देख रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि अभी आप साथ आए हैं तो ज़ाहिर बात है कसवर भाई को भी कड़ा दिया हुआ है और सुहेल भी हमारे साथ हैं बैकअप में, तो मज़ीद मैं आपको इस तरफ भी थोड़ा दिखा दूँ। चलो, ये मुझे लगता है आपको लग रहा था। असल में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये भी पूछते हैं कि आमिल साथ होता है और उसको भी नुकसान होता है, कभी कभार अमल जो है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि अगर बहुत सख्त कड़ा दे दिया जाए, और हम कैमरा मैन पर तो कड़ा देते हैं, अगर हमारे ऊपर भी कड़ा दे दिया जाए और फिर तो हमारे साथ कुछ भी नहीं आएगा सामने, और फिर आपको साइन नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से कभी कभार हमें साइंस मिलते हैं, अटैक्स भी होते हैं, जैसे अभी एक ईंट आई है फौरन, लगता है कि आशिक भाई को लग रही थी। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, थोड़ा सा हम लूज़ बॉल ख़ुद करा देते हैं। ये काफ़ी साल पुरानी जगह है जी।
ये आशिफ भाई ये देखें, ये सामने ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये अभी आपने पढ़ा ना, ये देखो ये वाजे, ये आशिफ भाई ये देखें, ये सामने ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये अभी आपने पढ़ा ना, ये देखो ये वाजे, और ये हवा नहीं है कि पूरा दरख्त हिल रहा है, ये देखे ना, ये देखे पूरा दरख्त सामने आ रहा है, असर तो होगा ना कुछ। ओके ओके चेक करें आप, आज इनका हल बताएं। ये क्या कर रहे हैं आशिक भाई? ये ना मैं ये मार रहा हूँ, हाँ लाइने मार रहा हूँ और एक जगह पे जमा कर रहा हूँ उनको। अच्छा, हाँ ये थोड़े थोड़े कहीं एक बैठा है, कहीं दो बैठे हैं, कहीं चार बैठे हैं। इसका मतलब पूरी फैमिली है यहाँ पे? हाँ, ये पूरी फैमिली है। तो इसको इकट्ठा कर रहे हैं अभी? इसको इकट्ठा करके ना फिर इसका हल करते हैं, फिर इसका हल करेंगे। ओके सर, हाँ जी करें, एहतियात करें कोई नुकसान ना हो। आज ही मैं आशिक भाई को खेलने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इस जगह को विज़िट करके गया हूँ और आज देखते हैं जी ये कैसे क्लियर करते हैं। इस कमरे में नहीं कर रहे? हाँ जी, इसी कमरे में हो गए सब। नहीं, इस कमरे में लाइनें नहीं लगाते? नहीं, इसमें बाद में लगाएंगे, पहले इधर लगा लें। अच्छा, या इसी में जमा कर रहे हैं इनको? इसी में जमा कर रहे हैं? चलो भाई, इसी में जमा कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ। हाँ, इसी कमरे में ले आए सबको? सब कुछ ठीक है, आ जाए। दूसरी तरफ भी है, ये आशिक भाई जी। ये बस्ती का दूसरा पोर्शन है जी, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। जब मैं इससे पहले आया था जी, तो यकीन करें इस घर के अंदर मैं दाखिल नहीं हो सका था, मुझे धक्के पड़े थे और बहुत जो है ना, मुझे आपको बता नहीं सकता कि वो मेरी अकेले आने में गलती थी, और बेशुमार साइंस मिले थे, क्योंकि ये होते हैं ज़रा ख़तरनाक चीज़ें।
देखा। इसके लिए ना फिर थोड़ा सा ना बचना पड़ता है, और ये कलाम वगैरह पढ़नी पड़ती है, तस्बीह वगैरह। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं कलाम पढ़ रहा था, तभी तो हमारी जान छूटी थी। चलो अल्लाह खैर करेगा, अब आए कुछ ना कुछ तो करेंगे इनके साथ। एहतियात से अपना कसम आशिक भाई, अभी आपको लग रहा था इधर से आए हैं। एहतियात से अपना कसम आशिक भाई, अभी आपको लग रहा था इधर से आए हैं। एहतियात से मेरे को वो अटैक करेंगे। अल्लाह ख्याल करे यार, एहतियात से। उफ, इधर सामने इस कमरे में। उफ, इधर सामने इस कमरे में। ये इधर से हुई है मूवमेंट। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की मखलूक, हमें यही घर बहुत डेंजरस है। आशिक भाई, ओके आशा भाई, साइड पे होते दीवार गिर रही है ये लगता है, देखो ना हिल रही है। आशा भाई, साइड पे होते दीवार गिर रही है ये लगता है, देखो ना हिल रही है। ख्याल करना यार, दीवार ना ऊपर है, ये दीवारें बहुत गिरती हैं भाई, एहतियात से। आशिक भाई, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं ये भुगत चुका हूँ ना, इस वजह से मैं डरा हुआ हूँ। ये देखो, ये दीवार हिल रही है, फिर पीछे। ये देखो, ये दीवार हिल रही है, फिर पीछे। कसूर भाई, ये देखा कसूर भाई, ये देखा, ये ऊपर से कोई चीज़ गिरी है इसके ऊपर, और बहुत हैवी। ये मेरे पे अटैक आ रहे हैं, ये तो इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी, मेरे पे अटैक आ रहे हैं, आप ना थोड़ा सा ना साइड में रहना। मैं साइड पे हूँ और मैं आगे मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके। ये पूरा कबीला है, पूरा कबीला सारा, जितने लोग निकले हैं ना यहाँ से उतने ही ये ज्यादा हैवी, उतने हैं, उससे ज्यादा बल्कि। अच्छा, और बहुत हैवी भी हैं, उससे ज्यादा भी हैं और उससे हैवी भी हैं। ये भी साथ में, ये देखें इस रूम में भी।
बच के देखो अल्लाह के मखलूकात, हम तुझे डराने नहीं आया ना, आप हमें डराएं। ये देखो जगह खाली कर दो, ये गरीब बंदे बस्ती है उनके लिए। ये कसूर लगा तो नहीं मेरे ऊपर से उनके लिए, ये कसूर लगा तो नहीं मेरे ऊपर से। आज आपका ही खेल देख रहे हैं भाई, हम तो भुगत चुके हैं इस लोकेशन को इतिहास से। ओए 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 आशिक, ये देखा आशिक भाई निकल आओ। ओए 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 आशिक, ये देखा आशिक भाई निकल आओ, बाहर निकल आओ, ये तो बिल्कुल सामने दीवार गिरी है और मैं फौरन कैमरा ले आया हूँ। आ जाओ आ जाओ, इस कमरे को पूरा गिला है, ये तो ऐसे लगते हैं जैसे जलजला आ रहा हो। इधर इधर निकलो निकलो आशिक भाई, यहीं से ही कलाम पढ़ के यहीं से उधर भेजो, उस रूम में यहीं से, अंदर ना जाओ बिल्कुल, यहीं से इनको कड़ा लगा के भेजो उधर। अभी आपके ऊपर गिर रही थी यार दीवार, है कसूर बच्चे, बाल बाल बच्चे ने इतना तोड़ गया। मेरे ऊपर अटैक हो रहा है ना, मैं इनको जगह खाली करवा रहा हूँ ना सर, मेरे भी साथ हो रहा है यार, कोई बड़ी दीवार के साथ खड़े ना हो। आ जाए ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ये मस्जिद है सामने यार, ये ये इधर कुछ था यार, काशिक भाई भाग के आओ, यहाँ से आया कोई अंदर घुसा है, ये मस्जिद है सामने यार, ये ये इधर कुछ था यार, काशिक भाई भाग के आओ, यहाँ से आया कोई अंदर घुसा है। वो देखो फिर इधर, वो देखो फिर इधर, काशिक भाई भेजो इनको उधर भेजो। ओए ख्याल करो यार, फिर गिरी थी दीवार, ओए ख्याल करो यार फिर गिरी थी दीवार। आशिक भाई, आशिक भाई एहतियात करो, ये गधा है इधर। ओए ये देखा ना, ओए ये देखा ना, भागो यार इधर से, इधर आ जाओ आशिक भाई, ये दीवारें सारी गिर रही हैं और दीवारों के अंदर ऐसी स्मेल है गंदी, जैसे दीवार गिरती है बदबू आती है एकदम की, ये क्या यार। आ जाओ यार करीब करीब रहो, कसर सुहेल को बुला लेते हैं उधर गाड़ी से, अभी अभी ठहर जाओ, ये उस दिन हमारे ऊपर गिरी थी ये वाली दीवार है ना कसवर, ये देखो ना ये कितनी यार, ये तो ऐसे फायर लगता है जैसे तोप का गोला हो, ये कितनी यार, ये तो ऐसे फायर लगता है जैसे तोप का गोला हो। वो देख आशिक भाई काम खराब है, आ रहे हैं कड़े में, आ रहे हैं, ले जाओ इनको। यार ऐसे फायर आता है, ऐसा लगता है इधर कुछ रह गया बाकी।
कसूर देख के, कसूर देख के पूरा सा बचाऊं मैं। ऐसे आता फायर जैसे गोले से आता निकल के। ऐसे बुढ़िया माँ, वो काफी लोग तो चले गए सर। ले जाए ले जाए। और ये बुढ़िया माँ थोड़ा सा तंग कर रही है। ये डेयरी है ना, इसको ये पता कि मैंने यहाँ अपना इलाका नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। फायर फायर लग रहे हैं जैसे ना दीवारों में। चले 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 चले, ले चले ले चले ले चले। कसर भाई ये उधर ही लेके जा रहे हैं। देखते हैं जी आशिक भाई आज कैसे क्लियर करते हैं इसको। मेरे तो बस से बाहर हो गया था काम। क्या हुआ यार, टांग से खींचा है कि? क्या हुआ यार, टांग से खींचा है कि? अच्छा भी आप ही आगे आगे चलो। मैं आ गया हूँ, इधर ही है। ये देखा यार, वो अटैक तो करेंगे ना, आप घबराइए मत यार। वो अटैक करेंगे, मुझ पर अटैक करेंगे। आ जाओ आप, इकट्ठे हो रहे हैं खा रहे हैं। आ जाओ, चल चल चल। आ जाओ एक साइड पे जमा हो जाओ। और तुम्हें पता है कि आखिरी हरबा यही है आपका। सब दीवार के साथ लग जाओ, बाहर नहीं आना, बिल्कुल बाहर नहीं आना, दीवार के साथ लग जाओ। अब ये सर जी दीवार के साथ बैठ गए सारे लोग, इसी कमरे में आ गए, इसी कमरे एक कमरे में मैंने बिठा दिया इनको सबको। इसमें अंदर जिनाद बैठे हैं सारे। हाँ, इसमें जिनाद हैं और ये दीवारों के अंदर बैठ गए हैं। दीवारों के अंदर चले गए? हाँ जी, दीवारों के अंदर चले गए, सामने कोई भी नहीं है। तो ये फिर दीवारों के अंदर चले गए, ये तो फिर मसला हो जाएगा, फिर ना निकले ये तो। ये निकलेंगे और आप मेरा साथ दीजिएगा, ये निकलेंगे। रस्से कड़ लगा के किल्ट होके रस्से बांधो मुझ पर। रस्से बांधे आपको? हाँ जी, मुझे रस्से बांधो। वो जो ले आया रस्से? हाँ जी ले आयो। अच्छा, जितने जिनात हैं वो सारे मेरे अंदर आ जाएंगे, उसके बाद जैसे मेरे अंदर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा, इधर आके बताएं। ये तो आप बड़ी खास बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे एक लगाएंगे कड़ा। ओके, कड़ा लगा के आग लगा देंगे बार बार, कड़े के बाद। हाँ बार, ठीक है। और चार दीवारों पे ना केल ठोक के मुझे रस्से बांध दो। मुझे रस्से बांधोगे ना? करो भाई, ये गलत काम है। पहले भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, इतना रिस्की नहीं ये काम तो करना पड़ेगा, ऐसे जाएंगे नहीं। वो मुझे करना पड़ेगा काम, आप मेरा साथ दोगे ना? नहीं, आपको रस्से बांधेंगे। हाँ जी, रस्से बांधोगे, ये साइड पे आग लगाएंगे। साइड पे आग, उससे क्या होगा? ये सारे मेरे अंदर आ जाएंगे, मेरे वजूद में आ जाएंगे, जितने जिन है ना छोटे बड़े सारे मेरे अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद तो आपको मसला होगा। नहीं, मुझे आप, मैं बताऊंगा ना आपको। आपने तस्वीर लेके दी है मैंने कागज़ पे, ठीक है, वो तो आपने पढ़नी है और मुझे फूक शूक मारनी है, पानी छानी, जब मैं जिस टाइम कहूँ मैं पानी पिलाओ उस टाइम मुझे पानी पिलाओगे और वो चले जाएंगे।
जी आज ऐसा खेल जो कि पूरी दुनिया में आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरीके के साथ किसी ने जगह को क्लियर किया है। ये आशिक साहब का नया कारनामा है। इससे पहले हमने एक जो बड़ा एक हमारा प्रोग्राम है जादूगर को पकड़ा, उसके अलावा मटके वाला प्रोग्राम जो कि हमने लोकेशन क्लियर की, और आज ये खेल जो खेल रहे हैं। जी आशिक भाई जी, क्या करना है आप? ये आग लगाएगा, आपने बाहर चला जाना है। ओके। और मुझे चला जाऊं? हाँ जी। और फिर आप बुलाएंगे? हाँ जी। ओके। जिस टाइम मैं बुलाऊं फिर आपने मुझे ये करना। लगाओ आग, आग लगा के भाग जाना है सिर्फ। Oh.